और यहाँ पर देख सकते हो टेक, आईटी, मार्केटिंग एंड डिजिटल जॉब्स है, प्रॉपर्टी में है, सस्टेनेबल जॉब्स है, यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन जॉब है। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन जॉब में अगर आप, दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया जॉब के बारे में। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं बिना किसी एजेंट के थ्रू, तो मैं आपको एक ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसी बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप जा सकते हो। बट बी अवेयर, पहले से ही आप सावधान रहो कि आपको किसी को भी एक रुपये भी नहीं देना है, ना कि एजेंसी को भी आपको नहीं देना है। एजेंसी का काम क्या है कि जो है वो वहां पे रहेंगे और जो जिन्हें नौकरी चाहिए वो वहां पर रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे से वहां पर बात कर सकते हैं। जिनको नौकरी देना है, जिनको नौकरी लेना है, दोनों एक जगह रहते हैं, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम है आपको रिक्रूट करना, हायर करना। कैसे आप करोगे मैं आपको बताने वाला हूं। ऑस्ट्रेलिया का आपको जॉब मिल जाएगा अगर आप सारा प्रोसीजर फॉलो करते हो, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पर हम लोग आपको जो है पूरा प्रोसीजर बताते रहते हैं। चाहे किसी भी कंट्री में आपको जॉब करने जाना हो, गल्फ के देश में जाना हो, यूरोपियन कंट्री में जाना हो, तो क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, सब कुछ हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता के रखा है। तो बस आप उसे फॉलो करें, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जॉब लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और सैलरी भी एक इनिशियल लेवल पे बहुत ही अच्छा मिल जाता है। अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। कौन सी वेबसाइट से अप्लाई करना है, कौन सा पोर्टल है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसका नाम है हेज। अब ये देखो हम यहाँ से सर्च करेंगे हेज, और उसके बाद सर्च कर लेंगे। कुछ लोग क्या बस ये देख लियो डायरेक्ट जाके सर्च कर लेंगे, भाई ऐसा गलती मत करना, क्योंकि आपको प्रोसीजर भी पता होना चाहिए किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, जिसे आप खुद जाके ऑनलाइन वीडियो देख के आप खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो सीवी कवर लेटर के लिए, ठीक है। तो हेज आप देख सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर हम आ चुके हैं, और सबसे पहला जो दे रहा है आपको वो देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो ये दिया है www.hez.com, तो आपको सिंपली इसी वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, hez.com के ऊपर, ठीक है, hez.com। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको क्या बताया, हम मैं ऑस्ट्रेलिया का बताने वाला हूँ। तो कैसे आपको पता चलेगा, सबसे पहले एग्री एंड प्रोसीड के ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं, और हेज की वेबसाइट के ऊपर हम यहाँ पर आ चुके हैं। नीचे आ जाए और यहाँ पर देख सकते हो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। गेट रेडी फॉर आवर 2025 सैलरी गाइड के बारे में है, ब्राउजर लेटेस्ट जॉब बाई प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पर जॉब आपको मिलने वाली है, और यहाँ पर देख सकते हो टेक, आईटी, मार्केटिंग एंड डिजिटल जॉब्स है, प्रॉपर्टी में है, सस्टेनेबल जॉब्स है, यहाँ पर अलग अलग इंजीनियरिंग है, कंस्ट्रक्शन जॉब है। अगर मान लो कंस्ट्रक्शन जॉब में अगर आपको जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर लो। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन जॉब्स के ऊपर क्लिक कर दिया, और यहाँ से देख सकते हो आप कि ये आगे यहाँ से आपको जॉब देखने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन में जॉब हम सर्च कर रहे हैं, टाउन क्या है, कहाँ पर चाहिए आपको, सिटी और स्टेट वगैरह भी आप डाल सकते हो जहाँ पर आपको जॉब चाहिए होगा, ठीक है। और नीचे देख सकते हो इसे किस तरह, यहाँ पर नीचे कई सारी जॉब जो कि अवेलेबल ऑलरेडी है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर देखो सीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और हमने उसके ऊपर जैसे क्लिक करा तो उस जॉब से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये देखो ये है सीनियर जॉब का डिटेल, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या क्या लिखा, परमानेंट है, और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कितना देंगे लोग, यहाँ पर देखो सैलरी भी लिख के रखा है डॉलर में, क्लोजिंग डेट क्या रहेगा, ज्वाइन दिस, ये पूरा डिटेल लिखा है, कंपनी के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, योर न्यू रोल के बारे में सब कुछ, मतलब सारी की सारी आपको जो जानकारी चाहिए होती है ना वो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगी, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं रहेगा, ठीक है। सब कुछ आपको देखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन में ले लिया, ऐसे ही आप अपने हिसाब से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। और यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट हाईवे में है, तो इस तरीके से हाई वाले में अगर आप जाते हो कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो इस तरीके से आपको जॉब देखने को मिल जाता है। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है जिस भी फील्ड में, आप उसी फील्ड में अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि कहीं भी अप्लाई करो। यहाँ पर ऐसे मल्टीपल जॉब तो आते रहते हैं, लेकिन पहले आप ये तो श्योर हो जाओ कि भाई आपको कहाँ पर जॉब करना है, कौन सी कंपनी में जॉब करना है, ये तो श्योर हो जाओ। और ये देखो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आए फॉर जॉब सीकर के लिए, तो जॉब सीकर के हम वेबसाइट पे ही है यहाँ पर, ठीक है। तो जॉब सीकर की वेबसाइट से ही आपको अप्लाई करना है, और इतना याद रखो कि जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास सीवी और कवर लेटर होना चाहिए, उसके बिना आप जॉब को अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि अप्लाई कैसे आप करोगे। तो ये देखो हम उसके पेज पे आ चुके हैं, इतने सारे जॉब यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और आप अपना रेज्यूम इन्हें भेज सकते हो, देख सकते हो, सेंड योर रेज्यूम, सबमिट योर रेज्यूम टू इंश्योर यू आर अ पार्ट ऑफ आवर टैलेंट नेटवर्क, कि आप इनके अगर पार्ट बनना चाहते हो, जब इनके पास कोई आपकी सीवी के हिसाब से, आपके कवर लेटर के हिसाब से, रिज्यूमे के हिसाब से जब इनके पास कोई वैकेंसी आएगी तो ये आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप अपनी CV भी अपलोड कर सकते हो, बाकी इस तरीके से कुछ डिटेल दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर लिखी है, तो आप देख सकते हो आप इसके थ्रू भी जा सकते हो, या तो आप यहाँ से गेट रेडी फॉर 2025 सैलरी गाइड है, तो हम यहाँ से एक हम ले लेते हैं इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, इंजीनियरिंग जॉब्स के ऊपर हम यहाँ से हमने क्लिक कर लिया। अब देखते हैं कि इंजीनियरिंग जॉब्स में कितनी कैटेगरी है, कितना सेक्टर देकर रखा है। तो इंजीनियरिंग जॉब्स यहाँ पे आ चुका है, टोटल यहाँ पर 273 जॉब अवेलेबल आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से सारा का सारा जॉब यहाँ पर दे रहा है, डेटा सेंटर सपोर्ट इंजीनियर की आवश्यकता है, पर आवर $80 से लेके $110 मिलने वाला है। सीनियर कंस्ट्रक्शन मैनेजर का यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, तो अगर मान लो ये सीनियर कंस्ट्रक्शन का है, तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करोगे तो कैसे अप्लाई करना होगा, यहाँ से मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। एक मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाई विदाउट साइनिंग का एक ऑप्शन आ रहा है और लॉग इन टू अप्लाई, तो आपको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है अप्लाई विदाउट साइनिंग, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आप देख सकते हो अपलोड योर रिज्यूमे। तो मैंने पहले ही बताया था कि बिना रिज्यूमे के आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर रिज्यूमे आपको अपलोड करना है, अपलोड फ्रॉम लोकल ड्राइव, और उसके बाद नीचे आ जाओ, नीचे आई रिसीव के ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है, आई हैव रीड द एंड एक्सेप्ट द टर्म्स, और उसके बाद अप्लाई कर दो, दैट्स इट, बस इतना ही प्रोसीजर है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो जॉब अप्लाई कर लो। अब जॉब अप्लाई करने के बाद कंपनी खुद आपसे कनेक्ट करेगी, कंपनी आपसे खुद अगर आपका CV अगर ऑस्ट्रेलिया फॉर्मेट के हिसाब से बना है, तो समझ लो कि वहाँ का जो भी एम्प्लॉयर होगा, जो कंपनी का HR होगा जो इंटरव्यू लेता है, तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, और उसके बाद वीज़ा का प्रोसेस वगैरह शुरू होता है, ठीक है। तो अगर चाहते हो वीज़ा प्रोसेस के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँ ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आप कमेंट करो, अगर कुछ लोगों का कमेंट ज़्यादा आ जाता है तो उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए जॉब के साथ।